दो बच्चा है, वो बीबी है, ऊपर माँ है। 5,000 रुपया महीना का गारंटी नहीं है मेरा। 1,00,000 रुपया लगा के फसल पैदा किए हैं, पानी पड़ गया, अरहर सब खराब हो गया। कोई सुनने वाला है मेरा? केसीसी माफ करेगी सरकार? जेल में डाल के पैसा लेगी हमसे, जेल में जो खाना देगी उसका भी पैसा लेगी हमसे। ये कानून है, संविधान है, आजादी है, अभिव्यक्ति का आजादी सबका है साहब। नौकरी दे रहे हैं, आउट ऑफ सोर्स के तहत नौकरी किए थे, हैं? उसमें कितना क्रश किया जाता है आउट ऑफ सोर्सिंग वाले को। अब हनुमान जी के भतीजा तो नहीं है, करेजा फाड़ के आपको दिखा दे, हैं? लेकिन भोगे हैं। सर हम जनता होकर पत्रकार से पूछे कि यही पत्रकार जो थे 2014 में कहते बहुत महंगाई है, आज एक भी पत्रकारिता में हम नहीं देखते कि देश में महंगाई है, क्यों नहीं आता है न्यूज में, ये जानना चाहते हैं। मंडल डैम आप बना देते, बिजली पैदा कर देते, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी दे देते, तो आपको बैठे बैठे वोट मिल जाता, जैसे मिल गया था। झूठ बोल के वोट मांगिएगा, उचित है ये? आप ही से पूछ रहे हैं, उचित है? गारंटी गारंटी कर मोदी वोट ने सबको ठगने वाला काम किया है। अब वो सब जनता परख लिए हैं कि अब गारंटी आपको कुछ भी नहीं रहा। हमने जिस स्कूल में पढ़ा कांग्रेस के द्वारा बनाया गया, हमने जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा कांग्रेस के द्वारा बनाया गया, तब मोदी की तरह झूठ बोले कि कांग्रेस का किया। 400 क्यों मांग रहे हैं, 500 क्यों मांग रहे हैं, 385 क्यों नहीं मांग रहे हैं? 400 इसलिए मांग रहे हैं कि 400 तीन तिहाई होते हैं, मैं 4 तिहाई के, 3 तिहाई एक हिसाब, 3 तिहाई एक मतलब हुआ कि जो हम लोग का संविधान है उसको पलटे। तो कांग्रेस को हम नहीं जपेंगे, 3 को जपेंगे, झूठ बोलने वाले को। नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप। जनमत यात्रा इस वक्त हमारी चल रही है चतरा में। आप जानते हैं कि चतरा लगातार जो है इन दिनों सुर्खियों में आ रहा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने कालीचरण सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो दूसरी तरफ केएन त्रिपाठी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। केएन त्रिपाठी को जब टिकट मिला था तब बड़ा हो हल्ला मचा था उलगुलान महारैली में, तब कुर्सियां पटकी गई, तब कितनों के सर से खून गिरे। लेकिन अब उसी को समझने की हम कोशिश करेंगे कि जब आज केएन त्रिपाठी यहाँ पहुँचे हैं चतरा कॉलेज मैदान में, और जब पूरा मंत्रिमंडल एक तरह से यहाँ पहुँचा है, तब क्या स्थिति है, क्या वाकई चतरा की फिजा बदलने वाली है, इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। यहाँ कई लोग हैं, सब कांग्रेसी हैं या फिर सब राजद के लोग हैं, इंडिया अलायंस के लोग हैं, सब जेएमएम के लोग हैं, तो इन्हीं लोगों से बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर कितने चांसेस हैं कि केएन त्रिपाठी कालीचरण सिंह को पटकनी दे दें। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम मुन्ना कुमार सिन्हा हुआ, झामुमो पार्टी प्रखंड अध्यक्ष। झामुमो से हैं आप? बिल्कुल। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि भाई झामुमो बिखर गई, हेमंत सोरेन जेल चले गए, सीता सोरेन आप लोग का परिवार छोड़ के वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि 400 पार बिना इलेक्शन हुए, वो तो बोल रहे हैं कि 400 पार हो तो जाने दीजिए, इसके बाद नतीजा सामने आएगा। अभी तो बेवजह मान लीजिए, ये तो बेबुनियादी बात हो गई। मजबूत है होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा अंदर मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है। ये 5 सीटों में हमारा तो जो गठबंधन का है, गठबंधन जो झारखंड में है, हमको लगता है कि महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। आप चतरा लोकसभा की बात कर लीजिए तो, या फिर पलामू लोकसभा की बात कर लीजिए, चाहे जिस लोकसभा की बात कर लीजिए, हम लोग तो गठबंधन पूरे मजबूत दिख रहे हैं। सही बोल रहे हैं? ठीक, बिल्कुल साथ में हैं, बिल्कुल सही बात है। इतना मजबूत अगर है तो फिर लोबिन हेमराम और चमरा लिंडा कहाँ हैं आप लोग की पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं? अब देखिए, मैं बताता हूँ, एक मिनट अब लोग का मर्जी समझे, अपना कहे जा रहे हैं से, लेकिन हम लोग जेएमएम के हम प्रखंड सचिव हुए सुनील यादव, और हम लोग जो पूरा गठबंधन में हैं तो पूरे तनमन से हैं, ये नहीं कि दिखावा नहीं, हम लोग हैं बिल्कुल पूरी तरह। इस बार लोग कह रहे हैं कि भाई सुनील सिंह का टिकट काट दिया गया है और कालीचरण सिंह को कैंडिडेट बनाया गया है, तो कालीचरण सिंह के खिलाफ आप लोग के पास बोलने के लिए अब कुछ नहीं है और उनका दावेदारी थोड़ा मजबूत हो गया। कितना मजबूत है उनका दावेदारी? केएन त्रिपाठी कहीं पिछड़ तो नहीं जाएंगे? नहीं, केएन त्रिपाठी आगे हैं, इसलिए क्योंकि कैंडिडेट बदले हैं ना, इसके पीछे कुछ तो डिमेरिट है, तभी तो कैंडिडेट बदले हैं बीजेपी। ठीक है, ये एक हमारे नज़र से है कि अगर गलत नहीं थे सुनील सिंह तो कैंडिडेट क्यों बदल दिए बीजेपी? लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ स्थानीय प्रत्याशी का मांग था खूब जोर से। ऐसा कुछ नहीं है, वो कामे नहीं किए। ठीक है, स्थानीय हो चाहे कहीं का हो, लेकिन अब स्थानीय आ गए हैं तो हम लोग केएन त्रिपाठी पे ही जाएंगे। केएन त्रिपाठी स्थानीय है? जी स्थानीय है। लोग तो कह रहे हैं कि भाई चतरा के रहने वाले ही नहीं है। स्थानीय है वो? कैसे स्थानीय? झारखंड के है ना। बस
तो खतियान वाला जो आंदोलन चल क्या बात बोलते हैं कि चतरा लोकसभा के इनका अति देखा जाए 1932 छोड़ दीजिए 1915 का खतियान खतियानी ये रैयत है, ये पचमू इनका मकान हुआ और ये पलामू किला इनके वंशज का पूर्वज का इनको लोग का खतियानी शो करता है, अभी भी खतियान दिखाया जाए, क्या ये दिखा सकते हैं अपना कालीचरण जी खतियान 1915 का 1932 का 1955 का दिखा सकते हैं चतरा लोकसभा? ये रहने वाले पटना का है लेकिन यहाँ कुछ दिनों से यहाँ पे रहे हैं और यही मकान बना के अपना शादी ब्याह बाल बच्चों का परवरिश यहाँ कर रहे हैं, यहाँ का निवासी नहीं है वो। अगर स्थानीयता का बात करें तो स्थानीयता वो नहीं है, वो खतियान के आधारित पर भी स्थानीयता है तो केन त्रिपाठी है और इसलिए महागठबंधन उसको सोच समझ के पूरे अपने होशो हवास में अपने बढ़िया से कार्यकर्ता से सबसे परामर्श लेके इसके बाद इनको तो जब कार्यकर्ताओं से पूछ के ही जब टिकट दिया गया केएन त्रिपाठी को, तो भाई आप लोग के उलगुलान रैली में कहे बताते हैं जैसे आपके घर में भी बच्चे होंगे हमारे घर में भी बच्चे होंगे कि अगर थोड़ा सा बात पे कैसे कहीं किसी से विवाद हो जाता है तो उसको गार्जियन लोग सुलझाते हैं, ठीक उसी प्रकार वहाँ भी पिट के सुलझेगा मामला, क्या कहीं बच्चा लोग नहीं लड़ाई करता है तो उसी तरह के किसी किसी का विवेक चुप हो जाता बच्चा है, बच्चा लड़ाई करे बात अलग है लेकिन अगर कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं एक घर परिवार में थोड़ा मोड़ा होता ही रहता है, उस परिवार की बात, अब मामला सुलझ गया, बिल्कुल सुलझ गया है, कहीं आप देख लीजिए राजद के लोग कहीं देख लीजिए या जेएमएम के लोग, हम लोग जेएमएम के लोग हैं हम लोग कहीं देख लीजिए कहीं कुछ नहीं है, देश बचाना है तो कांग्रेस छाप पर मोहर लगाना, कहीं देश क्या खतरे में चल रहा है क्या क्या लगता है आपको? नहीं बीजेपी जो है बीजेपी जो है 10 साल तक कुछ नहीं किया, इसका वजह से हम लोग का सोच रहे हैं कि अब परिवर्तन की वजह से, पिछले बार भी 65 पार बोला गया था, इस बार भी 400 पार ना है, ये सब देख लीजिए क्या खेला है, कहाँ चले गए थे अब एक बात बताइए, पिछले चुनाव में आप लोग सब लोग अलग अलग चुनाव लड़े, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी, आरजेडी अलग चुनाव लड़ी, सीपीआई के लोग अलग चुनाव लड़े, इस बार अगर जोड़ भी दें उनका वोट तो फिर भी 270,000 के वोट से आप लोग पीछे रह जा रहे हैं, इतना बड़ा अंतर को पाट पाएंगे? संभव है 57% वोट से रहा है पिछले दफा बीजेपी का, अगर लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन जो बदलने का जो बात आ रहा है इसके लेकर बहुत लोग हम लोग सोच रहे हैं कि अगर सत्ता दिल्ली में हिला के ही रहना है, कौन बोला संविधान बदलने की बात चल रहा है? आप उनसे पूछिए, सब जगह आप ही लोग का मीडिया में तो पूरा वायरल चल रहा है, कहाँ से दिखाए, मोबाइल दिखाए खोले पूरे तो वायरल है, मोबाइल को जो मांगिएगा वो देता है, अगेंस्ट जाइए तो बीजेपी के अगेंस्ट में पूरा न्यूज चल रहा है, आप ही लोग के द्वारा 400 क्यों मांग रहे हैं, 500 क्यों मांग रहे हैं, 385 क्यों नहीं मांग रहे हैं, 400 इसलिए मांग रहे हैं कि 400 तीन तिहाई होते हैं, मैं चार तिहाई के तीन तिहाई एक हिसाब, तीन तिहाई एक मतलब हुआ कि जो हम लोग के संविधान है उसको पलटे और सब जितना जो गरीब गुर्जर है उनको वोट देने का मौका नहीं मिलेगा, सब दिन बीजेपी ही के राज रहेगा, बट वो उनको भूल है, सोचना गलत है, अब कि उनको राज दिल्ली से जा रहा है, चाले उनके साथ जा रहा है, हम लोग कह रहे हैं कि दिल्ली जो रांची में लड़ाई हुआ दंगा हुआ कुछ नहीं हुआ था, वापस वो घर भाई भाई में हम लोग लड़े हैं, उस जगह पर हम भी थे, हम लोग सब एकजुट हो गए हैं, सब बैठ कर हर जगह मीटिंग किए हैं, एक तरफा वोट जाएगा, एक है, एक सब एक हो गए सब एक है, हम लोग सब एक है, कोई हम लोग गर्दा उठ जाएगा, गर्दा उठ जाएगा, नारा लगाने से क्या होगा, वहाँ नारा लगाइए, हम ये कह रहे हैं कि पहले आरजेडी ये सीट मांग रही थी, सत्यानंद भोक्ता एकदम दाव छोड़ नहीं रहे थे, सत्यानंद भोक्ता मजबूती के साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, खाली बाहरी बाहर है, इसको बारे में हम बताते हैं, इसको बारे में हम बताते हैं, विपक्ष का एक मुद्दा बना हुआ है कि हमारे मंत्री सत्यानंद भोक्ता बाहरी बाहरी केवल सपोर्ट करेंगे, उनका कहीं वैसा नहीं है, ये बीजेपी वाले का काम है, कहीं आप बता दीजिए कि राजद के लोग बोल रहे हैं कि या फिर सत्यानंद भोक्ता का कहीं स्टेटमेंट आया है या फिर कहीं कुछ वैसा कुछ, आप लोग के पास तो सारा न्यूज रहता है, आप लोग तो खबर कर सकते हैं, लेकिन एकाध को कहीं बता दीजिए कि वैसा कुछ कहे है, लेकिन ये सब केवल बीजेपी के जो समर्थक होंगे वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि सत्यानंद भोक्ता या फिर जो विपक्ष के लोग हैं अन्य पार्टी लोग भी, वो उन लोग के बारे में बोल सकते हैं कि उन लोग साथ में नहीं हैं, लेकिन अंदरूनी सब लोग साथ में हैं, हाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे आप बोले कि चमरा लिंडा क्यों चले गए, तो अगर कहीं कहीं ऐसा भी लोग होते हैं, वैसे तो कहिएगा सीता सोरेन चले गए, तो कहीं कहीं कुछ लोग वैसे होते हैं, उन लोग को जाने से पार्टी में संगठन में कोई दरार नहीं होगा,
हम ही कह रहे हैं, क्या नाम हुआ चाचा जी? मेरा नाम पड़ेगा सतेंद्र सिंह। क्या करते हैं आप? हम जो है महागठबंधन, महागठबंधन के हम अथी हैं, कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़ा सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं। कितना पुराने कार्यकर्ता हैं आप? करीब करीब 15 साल। आप कांग्रेस से हैं कि जेएमएम से? कांग्रेस से हैं। एक बात बताइए, आप जैसे प्रबुद्ध लोग यहाँ कांग्रेस के हैं, इसके बावजूद 1984 के बाद अभी तक यहाँ कांग्रेस का खाता नहीं खुल सका है, कहाँ कमजोर रह गए आप लोग? फिर इसके बावजूद दावेदार हम लोग जो है पाकी के हैं, पाकी विधानसभा क्षेत्र के हैं, समझे ना? हम लोग महागठबंधन को वोट देंगे। और पहले भी तो कांग्रेस का सरकार था, अथी था, यह भाजपा 3-4 बार से न है जी, तो इसके राज में तो बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। 420 पार्टी है भैया, इसको एकदम आप लोग भी भूल जाइए। आप लोग जो दर्जी दे रहे हैं ना, इसको बंद कीजिए आप लोग, समझे? हाँ, क्या भाजपा में खराब लगता है आपको? जैसे एक एक करके मतलब थोड़ा सा ये बताइए कि सबके घर में बाल बच्चा सब पढ़ लिख के बेरोजगार है, वो जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं, कोई सुन रहा है भाजपा में? वो लोग कह रहे हैं कि भाई भाजपा के तो सांसद के भी नहीं चलता है वहाँ, विधायक के नहीं चलता है मोदी के सामने, पब्लिक का चलेगा? एक बात जान लीजिए, आदमी लाचार होके महागठबंधन को चुन लिया। इस वर्ष जो है ना, मोदी जी आराम करेंगे गुजरात में, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, महागठबंधन दिल्ली में रहेगा, तय बात है, निश्चित हो गया। प्रधानमंत्री कौन रहेंगे? राहुल गांधी। वो तो पार्टी निर्णय करेगा, हम क्यों करें? राहुल जी का नेतृत्व में महागठबंधन चल रहा है भैया, आप लोग मीडिया है पूरे देश के, मैंने आप लोग से जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तय करेगा कि क्यों नहीं। राहुल जी के नेतृत्व में सब चल रहा है, लोकल कोई यहाँ पब्लिक है नहीं, कोई नेता नहीं है, जो भी कर रहे हैं राहुल जी कर रहे हैं, उन्हीं का नेतृत्व में आपका भारत में सरकार बनेगा। लोग कह रहे हैं कि भाई कालीचरण सिंह चूंकि भूमिहार हैं और इस बार भूमिहार को टिकट मिला है, पूछ लेते नहीं चाचा, तो कह रहा है लोग कि भाई भूमिहार इस बार एकदम बढ़िया से बीजेपी में वोट करेगा। मोदी जी को लगा अच्छा कालीचरण जी, उनको बुला लिए, यहाँ पब्लिक का दोष है इसमें, उगत थे उनको कोई जान रहा था? चतरा संसदीय क्षेत्र में कालीचरण जी को कोई जाना नहीं, सुनील सिंह कहीं पहले थे तो वोट किसी से मांगा नहीं, आपको तो मोदी के नाम पर वोट देना है, हमको एस करना है, तो जैसे आप ये यही तो बीजेपी में है। आप जैसे ये कह रहे हैं कि बीजेपी में मोदी के नाम पे लोग वोट मांग रहे हैं, तो के एन त्रिपाठी के पक्ष से किसके नाम पे वोट पड़ेगा? के एन त्रिपाठी पे कि कांग्रेस? महागठबंधन, महागठबंधन, महागठबंधन। गारंटी गारंटी कर मोदी वोट ने सबको ठगने वाला काम किया है, अब वो सब जनता परख लिए हैं कि अब गारंटी आपको कुछ भी नहीं रहा, एक भी काम करके नहीं दिखाया है, खाली मस्जिद मंदिर हिंदू मुस्लिम ये कोई मुद्दा होता है जी? मुद्दा कीजिए विकास वाला, जो रोजगार वाला बात कीजिए, महंगाई वाला बात कीजिए, सुरक्षा वाला बात कीजिए, ये सब कोई बात करना नहीं है, सिर्फ है बस मस्जिद मंदिर और पाकी रोड है, रोहरसी सो पाकी हम लोग का रोड है, अभी भी एक ठेवना गढ़ा मिलेगा, यही विकास हुआ है भारत का? साइकिल भी बढ़िया से नहीं, कहीं विकास नहीं है। बीजेपी का रीजिंग में जो है ना, जितना जंगल झाड़ एरिया में आदमी बसल है ना गांव घर में, कहीं देख रहे हैं रोड फोड़ सब टूटल टाटल, लेने हॉस्पिटल में ना कोई स्टाफ है, न कोई कोई का पूछ रहा है, बीजेपी के कोई है देखे वाला? कोई आदमी नहीं है। आपका बाल बच्चा जाके बॉम्बे में एमटेक किया है, उसको कोई पूछ रहा है कहाँ जाना है उसको, कौन स्टेशन पर पहुंचना है? आप उतना छोड़ दीजिए ना, हम तो ये बोल रहे हैं ना कि जो आपके प्रत्याशी हैं उनसे डायरेक्ट विजिट कर लीजिए बिना किसी के परामर्श लिए हुए, और वो सब अगर पंचायत का नाम बता दे तो जो कहिएगा सो हम आ जाएंगे। लोग कह रहे भाई वो तो यहाँ रहे हैं तो उनको पता है कि केंद्रीय पार्टी यहाँ, तो आप अभी तो बोल रहे हैं वर्तमान में जो मान लीजिए पीछे रह चुके हैं हमारे माननीय सुनील सिंह जी संसदीय, उनसे आप पूछ सकते हैं, तो उनको पता नहीं होगा कि किस पंचायत कौन प्रखंड में होगा, ठीक है, कौन गांव होगा, तो इसलिए इन लोग केवल मोदी के नाम पर झूठा बोल के वोट भंजाने का काम किए और सत्ता में आने का काम किए। राहुल गांधी क्या इतना वाकई मोदी के समक्ष इतना मजबूत चेहरा है कि उनके पक्ष में लोग मतदान करेंगे? जी सर, है एकदम है। जैसे क्या अलग लगता है आपको राहुल गांधी में? राहुल गांधी में अलग रहने के कारण मोदी का कार्यकाल जो 10 साल रहा वो हम लोग का खराब रहा। बोलते हैं कि भाई 5 किलो अनाज भी पहुंचा है, लोग कहते हैं कि ट्रेन अनाज, चाचा जी चाचा एक लोग कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिफाई हो गया, बिजली से चलने लगा ट्रेन, लोग कह रहा है कि भाई जो अर्थव्यवस्था है वो 5वीं अर्थव्यवस्था में शुमार हो गया। मोदी जी से पूछे कि महंगाई कहाँ गया, महंगाई अनाज आज मिल रहा है ना, या मोदी जी दे रहे हैं अनाज पहले से भी मिल रहा था, कांग्रेस के राज में नहीं मिल रहा था हम लोग का अनाज?
तो मंगलसूत्र पर बात उठाता है, मंगलसूत्र गरीब आदमी बेटी बहन हम लोग की किन सकती है, पूछे तो मोदी जी से। हम लोग बेरोजगारी और महंगाई पर अभी वोट करेंगे और राहुल गांधी जी को बैठाएंगे सीधी से। बेरोजगारी और महंगाई हिंदू मुस्लिम पे इस बार इसकी कोई नहीं, हिंदू मुस्लिम से हम लोग भाई भाई कहीं नहीं, वो टकराने का काम करता है बीजेपी को ही काम है। पहले भी खाली थे अभी भी हिंदू मुस्लिम एक हो रहे हैं, ये तो कुछ लोग हैं जो कि हम लोग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। बस हम लोग टूटेंगे नहीं, जुटेंगे और जुट के एक बार सबको सबके साथ में मिलकर वोट करेंगे और चतरा लोकसभा से श्री के एन त्रिपाठी को विजयी बनाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग के बड़ा ये आरोप लगता है, बहुत मुखर रूप के आरोप लगता है, हम पूछ लेते हैं, है ना। लोग कहता है कि भाई महागठबंधन की सरकार है झारखंड में, इसके बावजूद जो मतलब प्रदेश स्तर के जो बड़े नेता हैं जैसे राजेश ठाकुर हैं या फिर आलमगीर आलम हैं जो कांग्रेस के हैं, उन लोगों की उपस्थिति बहुत नहीं होती है सरकार में, इसके बावजूद नहीं पहुँचते हैं क्षेत्र में, क्या वाकई ये सही बात है क्या? सत्ता में आने के बाद थोड़ा सा आलसी हो गए हैं क्या? नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पर पहुँचे हुए ऐसा कोई बात नहीं है। तो मान लीजिए अभी चल रहा है चुनाव प्रचार, तो पहुँचते हैं हम लोग, देखते हैं आप लोग भी दिखवाते हैं, ऐसा क्या अभी तक नहीं पहुँचते हैं मजबूती के साथ पहुँचते हैं, पार्टी के लिए पूरा काम कर रहे हैं सब लोग, ऐसा बात नहीं है। अच्छा मध्य प्रदेश के कल मुख्यमंत्री आए थे मोहन यादव, इनसे कोई मतलब नहीं है, हम भी ज्यादा जो है हम लोग राजद के समर्थन है, कांग्रेस को वोट करेंगे, मोहन यादव अपना जगह पर रहे, उससे कोई मतलब नहीं हम लोग का। यादव इस बार यादव ठगा जा रहा है इसीलिए कोई पाई नहीं सर, यादव घूमने वाला नहीं है, हम लोग राजद के हैं, सीधे वहाँ देखते हैं लालू यादव, आप लोग सीधे कांग्रेस के डालेंगे, सीधी सवाल। मोहन यादव के आने से नहीं, कुछ नहीं, नहीं, मोहन यादव अपना वहाँ रहे, अपना कर रहे। अब कह रहा है कि भाई जो राजपूत नाराज हैं उसके लिए अनुराग ठाकुर को लाया जा रहा है, अनुराग ठाकुर भी हो सकता है सब वोट करेंगे, कोई नाराज नहीं है, सब वोट करेंगे कांग्रेस के, सब 10 साल में यहाँ उभिया गया चतरा को लोकसभा, कोई बात नहीं, कोई विकास का काम ही नहीं हुआ भैया, कोई विकास का काम ही नहीं हुआ। आप लोग देहाती क्षेत्र में जाकर थोड़ा देखिए ना, हम गए देखे हैं ना, 10 साल में अभी हंड्रेड प्रखंड में चेहरा नहीं देखा है सुनील सिंह, काहे छोड़ के चला गए आपके, पता चल जाता की कितना बुलाते हैं, झक्कन बदल दिया गया है, बोतल वही है, झक्कन बदल दिया गया है, मोदी सोच रहा है सुनील सिंह 10 साल कोई काम नहीं किया क्षेत्र में नहीं घूमा है, तो उसको बोतल रखा है, झक्कन बदल करके फिर चतरा में जीतने के काम। रोजगार पर क्यों नहीं बात करते हैं, महंगाई पर क्यों नहीं बात करते हैं, इस पर पूछिए ना बीजेपी वालों से, कभी कभी सब पर सवाल उठाते हैं हम लोग, कभी ना, बस हिंदू मुस्लिम बस राम मंदिर, इस पर मंदिर खाली बोलते हैं। आज तक संविधान को, क्या नाम हुआ आपका? मेरा राम केवल उराव नाम है, मैं लातेहार जिला का गाँव मासियत है। आप आदिवासी समुदाय? जी आदिवासी समुदाय थे। अच्छा एक बात बताइए, जैसे हम पूछ लेते हैं आपसे, क्या हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद आदिवासियों में गुस्सा है, नाराजगी है? गुस्सा पूरा है, क्योंकि एक आदिवासी को छल करके जेल भेजा गया है, इसमें हम लोग पूरा आदिवासी को उससे हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ है, कि मतलब एक अच्छा आदमी को जो हम लोग समाज के लिए राज के लिए विकास के काम करते थे, और उस आदमी को जेल भेजा गया है। बाबूलाल भी तो आदिवासी है। आदिवासी बाबूलाल है, लेकिन वो अब हम लोग आदिवासी की बात नहीं करते हैं, सिर्फ अपना राज का बीजेपी को जो बोलता है वो दो मुहिया साहब नहीं है, दो तरफ बोलता है। पहले बाबूलाल जी का ही ना स्टेटमेंट था कि मोदी जी बहुत बेकार आदमी है, वादा खिलाफी है, झूठा है, वही बोलते थे ना, उन्हीं का स्टेटमेंट आप खुद देख लीजिए, आप ही के न्यूज़ में होगा, और अभी वो उनके लिए अच्छा हो गए, तो जो उनके साथ चला गया, जो मोदी जी के समर्थन में चला गया, वो एकदम क्या बात है कि सर्फ एक्सल वहाँ लगा हुआ है, कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है, मतलब ठीक है कितने लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस में सब बढ़िया चल रहा है? कांग्रेस में नहीं, पूरे गठबंधन में। इसलिए हम एक बात बताइए, अगर कांग्रेस में सब ठीक है तो भाई रामटाल चौधरी आप लोग का पार्टी छोड़ के कहे इतने कम दिन में ही चले गए, अभी आए आए जुमा जुमा 8 दिन हुआ चले। सर ये चुनाव का माहौल है और पूरे देश में जब से चुनाव हो रही है आज़ादी के बाद, ये चुनाव के वक्त जो है ऐसा दृश्य आते रहता है, हर पार्टी में घटना घटते रहती है, ये माने नहीं रखता। आज चुनाव देश में जो हो रही है, महंगाई के विरुद्ध में चुनाव हो रही है, बेरोजगारों के बीच में चुनाव हो रही है, ये चुनाव सिर्फ 2 शब्द में हो रही है। अच्छा किसी को कृषि सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं, 6,000 रुपया साल, कितने लोग उठा रहे हैं लाभ? देखिए हम बता रहे हैं हमारे यहाँ। अच्छा मिलता है कि नहीं थोड़ा यही सुनिए भैया, किसान को हाड़ तोड़ कर मेहनत करना पड़ता है, ठीक बात, और 2,000 रुपया छल है, भीख है वो, ठीक ना, महाभारत के मोदी जी के चाल हम समझ रहे हैं, हाड़ तोड़ कर मेहनत करते हैं, 2,000 छल कर रहे हैं, MSP के जब गोली मारवा रहे हैं, MSP दे में तब मानेंगे कि किसान कहीं तैसी है वो,
आठ आना के आधा आलू का कीमत 5 रुपया, अब आलू कोड़ के हम पैदा करके देंगे तो उसका कीमत 10 रुपया केजी। छल नहीं है, है? 10 एकड़ जमीन रह के हम 10 रुपया के लिए महंगा है, और 10 रुपया के जो पान गुमटी खोला है वो 10,000 महीना के आदमी है, किसान के लिए छल है कि नहीं? मोदी जी के समझ में आता है इकोनॉमिक? इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए कहिए आपको, कहना चाहूँगा। राहुल गांधी अपने भाषण में कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो एकदम ठक 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 गरीबी मिटा दे। मनरेगा में 400 रुपया गारंटी कर रहे हैं मजदूरी, आज के डेट में 400 से 500 रुपया मजदूरी होना चाहिए कि नहीं, आप ही बताइए हमको। 250 रुपया देता है, बताइए। उन्होंने कहा कि मैंने 400 रुपया मजदूरी दूंगा, रोजगार गारंटी अधिनियम मनमोहन सिंह दिए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम मनमोहन सिंह दिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम मनमोहन सिंह दिए, सूचना का अधिकार अधिनियम मनमोहन सिंह दिए, मोदी का दिए, हिंदू मुस्लिम में छल कांग्रेस के बनाए हैं, मोदी जी बेच रहे हैं। हम लोग बेवकूफ हैं, लोग रिजेक्ट किए हैं, हम लोग बेवकूफ हैं के लिए कहे थे। आप समझ सकते हैं कि लोग रिजेक्ट करने में कितना मेहनत करना पड़ता है? केसीसी माफ किए नहीं कर रहे हैं, केसीसी माफ नौकरी नहीं कर रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं कि करेंगे? नौकरी दे रहे हैं, सोर्स आउट ऑफ सोर्स के तहत नौकरी किए थे, हैं? उसमें कितना क्रस किया जाता है आउट ऑफ सोर्सिंग वाले को, अब हनुमान जी के भतीजा तो नहीं है, ये करेजा फाड़ के आपको दिखा दे, हैं? लेकिन भोगे हैं आउट ऑफ सोर्सिंग से नौकरी करके कैसे क्रस किया जाता है अच्छी तरह से जानते हैं, उनको बताइए कि आपने छल किया है युवाओं के साथ, 2 करोड़ रोजगार का आश्वासन दे के छल किया है। तो अभी आप क्या करते हैं, आपका परिवार कैसे चलता है? खेती किसानी करते हैं। आप लॉ ग्रेजुएट हैं? हाँ, इसके बाद भी खेती किसानी करते हैं। कितनी उम्र हो गई लगभग आपकी? 23। 23 साल के हैं आप? 32। 32, 32 साल के हैं। और 32 साल की उम्र में आप खेती किसानी करके किसी तरह परिवार चला? बिल्कुल, किसी तरह। दो बच्चा है, दो बच्चा है, वो बीबी है, ऊपर माँ है, 5,000 रुपया महीना का गारंटी नहीं है मेरा, 1,00,000 रुपया लगा के फसल पैदा किए हैं, पानी पड़ गया, रहर सब खराब हो गया, कोई सुनने वाला है मेरा? केसीसी माफ करेगी सरकार? जेल में डाल के पैसा लेगी हमसे, जेल में जो खाना देगी उसका भी पैसा लेगी हमसे, ये कानून है, संविधान है, आजादी है, अभिव्यक्ति का आजादी सबका है साहब, सबको सम्मान के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए। संविधान की तो मानिए नहीं, छल कर रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। तो आपने भाजपा के विकल्प में कांग्रेस को ही क्यों चुना है, मतलब क्या, या कांग्रेस ही आपको बेहतर पार्टी लग रही है, या कोई और विकल्प है, आरजेडी है? आजादी के बाद संविधानिक अधिकार 5 साल में 1 बार वोट देने का कांग्रेस के द्वारा प्रदान किया गया, दूसरा अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम कांग्रेस के द्वारा प्रदान किया गया, हमने जिस स्कूल में पढ़ा कांग्रेस के द्वारा बनाया गया, हमने जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा कांग्रेस के द्वारा बनाया गया, तो हम मोदी की तरह झूठ बोले कि कांग्रेस का किया है, जमींदार के और राजा के जमींदारी पर था ध्वस्त करके जमीन बांटने का काम कांग्रेस करी, जिस जमीन पर हम आज भी काबिज हैं, जी खा रहे हैं, तो कांग्रेस को हम नहीं जपेंगे, तीन को जपेंगे झूठ बोलने वाले को? तो 14 में आप कांग्रेस की तरफ ही थे कि मोदी जी की तरफ थे? ना, हम कांग्रेस की तरफ है 14 में, 19 में भी 14 की, हम 2004 से कांग्रेस की तरफ है, कांग्रेस का झंडा लेके कौन जिंदाबाद कर रहे हैं, मेरा पिताजी किए, मेरा दादाजी किए, कांग्रेसी सिपाही बिल्कुल, और रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे, जेल डाल दे फांसी चढ़ा दे मैं तैयार हूँ, फांसी चढ़ने को तैयार हूँ, हम लोग को तो विरासत में मिला है जेल फांसी, 22 साल की उम्र में हमारा वीर पुरुष फांसी चढ़ गए, चढ़े कि नहीं? किसके लिए चढ़े? अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए, जिसको इन्होंने छीनने का काम कर रहा है, छल कर रहे हैं। तो बात बताएं, मेरे यहाँ गांव देहात में कहावत कहा गया है कि बेल पकबे करी तो कौवा के चोच में दम बाजे बेल फोड़ के खाली, तू कहा देखावत ही हमारा दूरदृष्टि, यहाँ हमारा गाँव में जो जमीन बंजर बा डाल्टनगंज में आन के रुआ कहली कि मंडल डैम में काम लगा है, मंडल डैम जाके देखिए, मंडल डैम आप बना देते, बिजली पैदा कर देते, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी दे देते, तो आपको बैठे बैठे वोट मिल जाता जैसे मिल गया था, झूठ बोल के वोट मांगिएगा, उचित है ये? आप ही से पूछ रहे हैं उचित है? आज बिजली का किल्लत है ना पूरा राज्य में, चतरा में तो विशेष तौर पर हम लोग देख पा रहे हैं, पूरा राज्य तो रह रहे हैं चतरा में 2-4 दिन से, और हर दिन यही स्थिति पूरा राज्य में। सर आजादी के बाद, ये तो राज्य सरकार वाला मामला हो गया बिजली का, आजादी के बाद भारत में 2024 का पहला चुनाव है जो देश का एक व्यक्ति गारंटी देश को लेते हैं 140 करोड़ लोगों का, ये दुर्भाग्य बात है,
और ये संविधान कहीं न कहीं खतरा में जा रही है, इसलिए कि उन्होंने कैसे तय कर लिए कि हम 140 करोड़ जनता के गारंटी लेते हैं, जब 2014 और 2019 में भाजपा पार्टी पूरा मिलकर आरएसएस का संघ मिलकर गारंटी दिए जो पूरा नहीं देश में किया गया, और इस बार मोदी जी एक व्यक्ति हैं जो पूरे लोग गारंटी दे रहे हैं, क्या इस संविधान की बात है भाई? वो तो कह रहे हैं कि अगर हमको संविधान बदलना ही होता या अगर हमको कुछ मतलब ऑटोक्रेटिक सरकार चलाना होता, अगर देश में पाबंदी लगानी होती तो हम कभी भी कर सकते थे। सर, उनके कई मंत्री हैं, नेता ने उनका कहना है कि भाई हम तो इमरजेंसी लेके नहीं आए, लेकिन कांग्रेस की सरकार में इंदिरा गांधी इमरजेंसी। मैं दिखा रहा हूँ, मेरे मोबाइल में भी है, एक एक मिनट सर, क्या है बताइए। आप पढ़े, आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आप पढ़ सकते हैं। सवाल ये उठता है सर, हम पत्रकारों से कहना चाहते हैं कि 2014 में यही पत्रकार लोग कहते थे बहुत हुई महंगाई, अभी लाए भाजपा सरकार, कहाँ गई ये बात? 400 रुपये गैस को गोल लगकर जाने के लिए बोला जाता था कि गोल लगकर जाइएगा वोट देने के लिए, आज उसी जनता से हम कह रहे हैं कि 1100 रुपये के गैस गोल लगकर जाएंगे। क्या इस पर आपको कहना है? महंगाई है, महंगाई है सर। हम तो जनता से पूछे, नहीं सर, हम जनता होकर पत्रकार से पूछे कि यही पत्रकार जो थे 2014 में कहते बहुत महंगाई है, आज एक भी पत्रकारिता में हम नहीं देखते हैं कि देश में महंगाई है, क्यों नहीं आता है न्यूज में, ये जानना चाहते हैं हम। आपको लग रहा है कि पूरा पत्रकारिता संस्थान जो है मोदी के साथ? मैं ऐसा बात नहीं कहा हूं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं इसलिए मैं आपके सवाल किया हूं। अभी हमारे देश में बहुत ऐसा पत्रकार है जो देश के चौथम स्तंभ को खड़ा करके मजबूत करके लड़ रहे हैं, और कुछ गोदी मीडिया है सर, मैं उसमें आपको नहीं जोड़ रहा हूँ, ये आपका हम कभी देखा नहीं हूँ इसलिए मैं ये बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा है क्या? ये सच नहीं है क्या? मैं जो बोल रहा हूँ सच नहीं है क्या? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ये दोनों धड़े से, ये अलायंस की तरफ से भी है, इंडिया अलायंस की तरफ से भी है, चूँकि आप ये बात करें तब मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, और ये बीजेपी की तरफ से भी है, एनडीए की तरफ से भी है, तो खेमा हर लोगों का अलग अलग गुट का है, तो उसमें कोई नई बात नहीं। आज पूरे देश में क्यों ऐसा बोला जा रहा है, एक आम आदमी, एक आम नागरिक, एक आम वोटर बोला कि संविधान खतरा में है, मैं सवाल करता हूँ। निश्चित रूप से देश में जो गारंटी दे जा रहा है वो गलत है, एक व्यक्ति 140 करोड़ जनता को गारंटी ले रहे हैं, कल भगवान न करे कि ऐसा कुछ हो, अकस्मानी अगर एक व्यक्ति का कुछ हो जाएगा तो देश का हालत क्या रहेगा? बड़ी बात कह रहे हैं आप। बहरहाल ये है चतरा जहाँ इस वक्त हम आए हुए हैं, और सिर्फ हम नहीं आए हैं बल्कि हज़ारों की भीड़ आई है के एन त्रिपाठी साहब को सुनने के लिए। के एन त्रिपाठी साहब ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़ाई लिखाई तो उनका दुरुस्त है ही, हालांकि कालीचरण सिंह जी भी BHU से पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो पढ़ाई लिखाई में दोनों ही प्रत्याशी जो हैं एक दूसरे के टक्कर में हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि चुनावी नतीजों के बाद स्थितियां क्या रहती है, नतीजों में केंद्र त्रिपाठी आगे रहते हैं या फिर कालीचरण सिंह आगे रहते हैं, या कोई निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ से आगे रह जाता है, या फिर आगे आ जाते हैं BJP के पूर्व विधायक जयप्रकाश सिंह भोक्ता। इंतज़ार कीजिए और मजे लीजिए, आंकड़े अंक गणित लगाइए, भिड़ाइए और देखिए कि चतरा क्या रिटेन कर रही है भाजपा, या फिर 84 के बाद यहाँ कांग्रेस पहली दफ़ा अपना जड़ जमा रही है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट जनमत यात्रा, मैं हूँ आपके साथ आकाश आनंद, और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक शुक्र।